हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो जैसे कि आपको पता ही है कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आपका बजट 20,000 रुपीज़ है तो भाई दो बहुत बड़े महारथी आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट पे रियलमी GT मास्टर एडिशन और अमेजोन पे Mi 11X देखने को मिल जाएगा। रियलमी GT मास्टर एडिशन अगर आप कोई भी कार्ड से पे करोगे तो आपको 6,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी डायरेक्ट स्मार्टफोन 20,000 का देखने को मिलेगा। और अगर आप ICICI या एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड से पे करोगे तो 7,000 और क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो 7,500, यानी बात की जाए लास्ट में आपको स्मार्टफोन 18,500 का देखने को मिल सकता है। उसी की बात की जाए Mi 11X के बारे में, तो ये आपको अभी अगर आप सेल में देखते हो Amazon पे तो आपको 27,000 रुपये से होगा, लेकिन अगर आपके पास में HDFC का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड या EMI कराते हो तो आपको इंस्टेंट 7,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी स्मार्टफोन आपको 20,000 में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्सिस या ICICI नहीं तो दोनों में आपको 20,000 देखने को मिल जाएगा। तो भाई नेक्स्ट लेवल का कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है आदमी के बीच में कि हम रियलमी GT मास्टर एडिशन लें या Mi 11X लें। तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सा फ़ोन चूज़ करना चाहिए। तो चलो फिर आरंभ करते हैं। बात कर ले जब मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जोर नहीं दूंगा, जो प्रोस होंगे ज़्यादा कथा करके उनके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बात कर जाए Mi 11X के बारे में, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 6.55 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर आपका बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो ये फ़ोन बढ़िया रहने वाला है। सेकंड बात कीजिए तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon का 870 प्रोसेसर, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5 की रैम टाइप। अगर आपको प्रोसेसिंग पावर बढ़िया चाहिए, बढ़िया मतलब बढ़िया भाई, 20,000 की प्राइस वाले कोई टच भी नहीं कर सकता है, तो आपको ये फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। थर्ड बात की जाए, अगर आपको ग्लास बैक बहुत ज़्यादा पसंद है, आप चेक भी मुझे नहीं ग्लास ही चाहिए इतने पैसे में, तो भाई ये स्मार्टफोन की तरफ आप जा सकते हो। फोर्थ नंबर की बात की जाए तो अगर आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर चाहिए तो आप ये फ़ोन की तरफ जा सकते हो। फोर्थ चीज़ अगर आपको चाहिए तो Mi 11X की तरफ चले। फिर बात करते भाई हमारे रियलमी GT मास्टर एडिशन की तरफ, तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, दोनों में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलेगा, लेकिन Mi 11X में आपको 10 बिट की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इससे क्योंकि अगर आप कोई कॉन्टेंट वॉच करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कमाल हो जाएगा, लेकिन इसी जगह पर यहाँ पर कोई भी 10 बिट की डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा है हाँ GT मास्टर एडिशन में। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, सूटकेस डिजाइन चाहिए, ये प्लास्टिक होगा ये आपको बात को ध्यान में रख लेना, लेकिन अगर आपको सूटकेस वाला चाहिए तो आप ये साइड में जा सकते हो। फिर बात की जाए आगे, तो अगर आपको एक फास्ट चार्जर चाहिए 65W का, जो अगर आप फोन चार्ज करो तो आपका फोन 30 से 35 मिनट में फुल चार्ज कर ले। पर्सनली मैं खुद Realme X50 Pro यूजर हूँ, मेरे पास 65W का चार्जर है, इसमें आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है, और भाई 35 मिनट में ये फोन फुल चार्ज हो जाता है, तो ये फोन लगभग आपको उतना ही देखने को। आपको अगर 3.5mm का जैक चाहिए तब पर भी आप इससे साइड में Realme GT मास्टर एडिशन की साइड में देख सकते हो। प्लस अगर आपको ज्यादा 5G बैंड्स, लगभग 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप Realme GT मास्टर एडिशन की तरफ देख सकते हो। और हालांकि Mi 11X में आपको ओनली 2 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तब पर भी आप Realme GT मास्टर एडिशन की तरफ जा सकते हो, और Mi 11X में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो साइड में, आपको जिस चीज की रिक्वायर्ड हो आप उस हिसाब से फोन पिक कर सकते हो। हालांकि बात कीजिए, अब मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, मैंने आपको तो बता दिया भाई कि आपको लेना चाहिए किस हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन मैं अगर मुझे परचेस करना होता पर्सनली तो मैं Mi 11X परचेस करता, क्योंकि मुझे प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, डिस्प्ले भी, प्लस इसमें डिस्प्ले प्रोसेसिंग पावर दोनों बढ़िया है, तो मैं Mi 11X ही साइड में जाता। अगर आपके दोनों में से देख रहे हो, दो क्राइटेरिया आपको फुलफिल कर रहा हो, आप वो फ़ोन की साइड में जा सकते हो। हालांकि अगर आप Mi 11X परचेस करने वाले हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप वहाँ से परचेस करते हो तो चैनल को कुछ हेल्प भी हो जाएगी। तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।